54 करोड़ रुपए की करप्शन में मुलविस सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरों के बरतरफ किए गए वाइस चांसलर डॉक्टर फतेह बुलफत जामिया कराची के वाइस चांसलर बनने के लिए सरगर्म। ज़राए के मुताबिक सिंध की चंद बासर और सियासी शख्सियात के खास असर व रसूख के इस्तेमाल के बाद फतेह बुलफत ने क्लीन चिट हासिल करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। वाज़ेह रहे कि सिंध यूनिवर्सिटी में गैर कानूनी तबादलों फंड्स और फ्यूल की मद में खुर्द बुर्द और गाड़ियों की खिलाफ कानून खरीदारी में 2 अरब 54 करोड़ रुपए की करप्शन सामने आई थी। एंटी करप्शन की जानिब से की गई इंक्वायरी में वाइस चांसलर समेत दीगर मंजूर नजर अफराद मुलविस पाए गए। फतेह बुलफत का असर रसूख इस्तेमाल करने के बावजूद मुकदमा दर्ज हुआ। गिरफ्तारी के लिए छापे मारे गए तो अफसरान मफरूर रहे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने नोटिस लेते हुए फतेह बुलफत को वाइस चांसलर के से बरतरफ किया था। जराए का कहना है कि डॉक्टर बुलफत अब जामिया कराची में वाइस चांसलर की निशिस्त के हुसूल के लिए सरगरम हैं। समीर कुरैशी, 710 न्यूज, कराची। Z110 न्यूज, खबर की असल खबर।